सो हैलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ एस पी एस टुडे विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वॉट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाट आर इट्स यूज एंड हाउ वी कैन फाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वाइंड ऑफ इलेक्ट्रोड बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड मतलब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके किस तरह से हम दूसरे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं हाफसल के अंदर उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं उसको इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सो so, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर आते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है उसके बाद हम थोड़ा सा मैं इसमें सेल की रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि बेसिक नॉलेज आपको हो सके सो so, आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सो वॉट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो यहाँ पर आ जाते पहले देख लेते इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज़ यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बाई कोनेक्टिंग इट टू द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड हुज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ टू बी फाइंड अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा है तो जो हमारे पास टू uh, टाइप्स के देखो हाफ uh, सेल बनते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तो दो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल्स एक एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो टू हमारे पास हाफ सेल्स होते हैं तो उन टू हाफ सेल्स का हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो उसको तो हम इजीली निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम इजीली निकाल सकते हैं लेकिन अगर एक एक हाफ सेल मतलब सेपरेट सेपरेट हाफ सेल का अगर हमें सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए क्या दिया जाए तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है ठीक है तो इसी के लो इसी को मतलब जो हमारे पास दो हाफ सेल बनेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर या कोई भी हमारे पास हाफ सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड है उसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का या इसको हम एस एच ई भी कह देते हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होगा और इसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि जो दूसरा जो हमारे पास हाफ सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड है तो उस हाफ़ सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है उसको हम इससे जान सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से सो ये आपने जान लिए इसका मेन मेन कारण क्या है ऐसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के यूज़ करने का ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम सेपरेट सेपरेट जो हमारे पास हाफ सेल होते हैं आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास दो सेल होते हैं हाफ सेल्स तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं मतलब उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है उसको तो हम निकाल सकते हैं लेकिन जो दो हाफ सेल हमारे पास होते हैं उनका अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना मुश्किल होता है सो so, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मतलब जो दो हमारे पास हाफ सेल्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अलग अलग फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ठीक है अब इसके बारे में जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज़ यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बाई कोनेक्टिंग इट टू द इलेक्ट्रोड हुज इेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टू बी फाइंड मतलब आप देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज हम कैसे करेंगे एक तरफ तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखेंगे और दूसरी तरफ हम उस हाफ़ सेल को रखेंगे जिसका मतलब जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड है उसको जिसका पोटेंशियल डिफरें जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको रखेंगे मतलब एक तरफ एक हाफ सेल को रखेंगे कोई भी हाफ सेल हो सकता है और दूसरी तरफ हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखेंगे उसके बाद उनको कनेक्ट करेंगे ठीक है अब किस तरह से ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वर्क करेगा उसको हम आगे देखेंगे बस आप अभी इतना जान लो कि जो हमारे पास कोई भी हाफ सेल होता है उसका अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ पर निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ किसका करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ठीक है तो यहाँ तक हमने इसको जान लिया उसके बाद हम क्या करेंगे इट इज कंसिस्ट ऑफ लैट यहाँ पर देखियो इसको आप इसके आप स्क्रीन ले लो पहले आप इसके स्क्रीन ले लो ताकि इसके आप नोट्स बना सको इसका पहले आप स्क्रीन ले लो यहाँ तक इसका आप स्क्रीन ले लो अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते कैसी है तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या क्या होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक तो प्लेटिनियम वायर है यहाँ पर देखिए इसको ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसी को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं ठीक है अब ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है इसमें देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम फॉइल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम अब यहाँ पर जो आइए ये वाली आप फॉइल देख रहे हो ये प्लेटिनियम की फॉइल है ठीक है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम है ये हमारे पास ये और दूसरा जो आप बायर देख रहे हो ये भी प्लेटिनियम की बनी हुई है ठीक है साथ में और क्या क्या लगा इसमें आ, अब यहाँ पर देखिए इसमें वन बार प्रेशर हम एच टू का देंगे मतलब हाइड्रोजन गैस को जो है हम कॉन्टीन्यूअसली यहाँ से गुजारेंगे किस प्रेशर के साथ तो वन बार के प्रेशर के साथ हम जो है उसको लगातार यहाँ से सप्लाई करेंगे हाइड्रोजन को ठीक है अब जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर देखिएगा पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से गुजारेंगे और टेम्परेचर हमने रखना है टू नाइनटी टू ठीक है टू नाइन्टी रखना है हमने टेम्परेचर एक बात और 298 से ऊपर नीचे नहीं जाना है अब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है यहाँ पर कुछ फिक्स्ड कंडीशन आपको बदी हुई है फिक्स कंडीशन का क्या है मतलब टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए 298 केल्विन ठीक है टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन और प्रेशर प्रेशर कितना होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का तो वो है वन बार का प्रेशर से ये जो है यहाँ से एंटर हो रही है ठीक है अब देखिए जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास आउट हो रही है अंद, मतलब अंदर की ओर आ रही है हाइड्रोजन ठीक है तो ये अंदर आ रही है अंदर आने के बाद जो ये प्लेटिनियम फॉइल है ये एक सरफेस की तरह काम कर रहा है इस प्लेटिनियम फॉइल के पास इस प्लाटीनियम फॉइल के ऊपर जब हम मतलब हाइड्रोजन गैस जब हम इसमें से गुजार रहे हैं तो इस प्लाटीनियम फॉइल के ऊपर दो टाइप की रिएक्शन हो रही है मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है हाइड्रोजन का और यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है एक ही चीज़ का मतलब जो ये हाइड्रोजन को हम गुजार रहे हैं ना इसका यहाँ पर इस प्लेटिनियम की फॉइल के ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है और आपको और ये मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर जो ये जो फॉइल के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है ये बिल्कुल सेम हो रहा है मतलब बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हो रहा है मतलब जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही रिडक्शन हो रहा है ठीक है जितना इस फॉइल के ऊपर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना जितना यहाँ पर इस फॉइल के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही जो है इस फॉइल के ऊपर रिडक्शन भी हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पूरा का पूरा हाफ ये जो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो जाएगा जीरो क्यों हो जाएगा क्योंकि इसके इसके मैंने आपको कहा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल इक्वल है दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल समान है तो मतलब इसका टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पूरे के पूरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो जीरो हो जाएगा ठीक है कितना है कितना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है ठीक है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका यूज़ करके हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का ठीक है अब यहाँ पर देखो ये वाला जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जीरो है लेकिन अगर हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसको जोड़ते हैं मतलब किसी दूसरे हाफ सेल के साथ इसको जोड़ते हैं तो आपको पता है कि जो एक कंप्लीट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है उसके अंदर जो है हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रो जो टोटल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको निकालना आसान होता है मतलब इस

ठीक है इस तरह से मैंने उसको कनेक्ट कर दिया अब मुझे सिंपल सा पता है इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है वो तो सिंपली निकल जाएगा ठीक है और ये मैंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस इजीली निकल जाता है ठीक है इसको तो मैं निकाल दूँगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेन प्रॉब्लम क्या आती है मेन प्रॉब्लम आती है जब हमें सेपरेट सेपरेट निकालना होता है मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमें निकालना है टोटल तो पता है लेकिन कितना कितना का कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का है वो पता नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरे पास इजीली आ जाएगा मतलब इन दोनों के कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ठीक है कितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास इजीली निकल जाएगा क्यों निकल जाएगा क्योंकि सारा का सारा यहाँ पर जो है इसमें तो जीरो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल तो जीरो है मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जीरो है मतलब जो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो इसी का होगा वो इसी का होगा ठीक है अब इसको कैसे निकालते हो हम आगे देखेंगे ठीक है ये मैंने ऊपर ऊपर से आपको इसके बारे में बता दिया सो so, ये था हमारे पास तो इसका भी आप स्क्रीन ले लो ये भी आपको ड्रॉ करना है इसका भी आप स्क्रीन ले लो वन मोल एच और आपको याद रखना है जो हमने सॉल्यूशन दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखो नीचे ये हम हमारे पास वन मोल एच अब देखो जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है ठीक है कंडीशन देखो कितनी कंडीशन है थ्री कंडीशीस इसमें है पहला तो हमारे पास वन मोल एच सॉल्यूशन होना चाहिए दूसरा जो हाइड्रोजन गैस को हम पास आउट करवा रहे हैं उसका जो है प्रेशर वन बार होना चाहिए तीसरा टेम्परेचर हमारे पास टू नाइन्टी एट कैलविन होना चाहिए ठीक है और आपको याद रखना है कि ये वाली जो फॉइल है यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली यहाँ पर दोनों रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से इसका टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ रहा है जीरो आ रहा है ठीक है तो इसके बारे में आप इनको नोट कर लीजिए तो यहाँ पर देखो इस तरह से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास ये एस एच ई है मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ठीक है जो मैंने अभी आपको बताया तो मैंने आपको कहा देखो जो प्लेटिनियम फॉइल हमारे पास नीचे लगी हुई थी वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है वहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है ठीक है जो हाइड्रोजन गैस हम ऊपर से पास करवा रहे हैं उसकी वजह से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है कैसे हो रहा है यहाँ पर देखो उसी फॉइल के ऊपर एक ही फॉइल के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर देखो पहले तो हाइड्रोजन गैस ये दोनों रिएक्शन एक ही जगह पर हो रही है मतलब साइमल्टेनियसली हो रही है जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखो एच टू किस किस में टूट गया टू एच पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया टूट गया ठीक है और दूसरा वहीं पर दूसरी रिएक्शन भी हो रही है जो ये टूट गए ये ही कंबाइन हो रहे मतलब ये टूट के ये बना रहा है और ये टूट के ये बना रहा है ठीक है मतलब ये टूट के ये बनाएगा ठीक है ये टूट के ये बनाएगा और ये टूट के फिर से यही बना रहा है मतलब साइमल्टेनियसली ये जो है साइकिल जो है चल रही है हमारी जिसकी वजह से इसका टोटल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है ठीक है मतलब इक्लेवरियम में चल रही है यहां पर देखिए एच टू से ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है कॉन्टिन्यूसली ठीक है उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कब निकालते हैं जैसे मान लीजिए दो हमारे पास इलेक्ट्रो दो हमारे पास हाफ सेल है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं उसका अगर हम सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो वो तो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारे पास ठीक है वो तो सिंपल हो जाएगा हमारे पास लेकिन अगर हम किसी भी हाफ सेल का किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है सिंपल सी बात है यहाँ पर देख लीजिए ये हमारे पास एक हाफ सेल है ठीक है ये मान लीजिए उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड है इसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ठीक है इसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसकी हेल्प से अगर तो मैं सिंपली इसका निकालता हूँ तब तो मैं सिंपल इसका कहूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर सिंपली निकाल रहा हूँ ठीक है सिंपली नहीं निकालना है हमें कैसे निकालना है इस स्टैंडर्ड इस इस इक्ट्रोड ये वाला जो हमारे पास हाफ सेल है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड है उसको हमने कनेक्ट करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ठीक है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके साथ हमने हमने इसको इसको कनेक्ट कनेक्ट कर कर दिया दिया ठीक है इस तरह से ठीक है तो अगर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम दूसरे जो हमारे पास हाफ सेल दिया हुआ है उसका अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिंपल सी बात है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है स्टैंडर्ड बॉडी यहाँ पर इसी के लिए लगा है एस के लिए ही ठीक है क्योंकि इसका यूज हमने किया है तो यहाँ पर आगे स्टैंडर्ड लग गया ठीक है तो इसको हम लिखते कैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं इसको ठीक है या इसको हम ऐसे लिखेंगे ठीक है इन दोनों ये दोनों ही तरीके करेक्ट है ठीक है आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो तो ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके बाद हम आते हैं ये भी हमने कर लिया उसके बाद हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सॉरी मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता लग गया क्या है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्रो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से निकालते हैं मतलब उसको हम जोड़ देंगे किसके साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिस भी इलेक्ट्रो जिस भी इलेक्ट्रो जो हमारे पास हाफ सेल है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोड है उसका अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ उसको जोड़ देंगे ठीक है उससे हमें उसका अगर स्टैंडर्ड हाइड्रो उससे अगर हमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लग जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है मतलब वो वाला पोटेंशियल वो वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी जिसको हमने प्राप्त किया मतलब जिसको हमने जाना किसकी वजह से इलेक्ट्रोड उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से तो अब मेजरमेंट अब देख लेते हैं कि किस किस तरह से इसका हम यूज करते हैं ये तो हमने देख लिया कि कैसे जो है हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं अब कैसे निकालेंगे वो हम यहां पर देखेंगे ठीक है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो फर्स्ट हमारे पास है देखो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब यहाँ देखो सबसे पहले इससे पहले कि मैं आपको ये यह कि किस किस तरह से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं उससे पहले मैं सेल को रिप्रेजेंट करने के बारे में आपको थोड़ा सा बता दू कि सेल को जो है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मतलब

सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास है उसमें हम जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ दी हुई है ठीक है उनको इस फॉर्म में लिखा जाता है यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हो इसका स्क्रीन आप ले लो इसका स्क्रीन आप ले लो ये सिंपल सी चीज़ें हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो वैसे या हो सके तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आप इसकी स्क्रीन ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप स्क्रीन ले लो यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड मैं सिर्फ यहां पर इसको आपको बताऊंगा कि ये चीज क्या है ये वाली चीज़ क्या है तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है तो यहाँ पर देखो जहाँ पर जो वाली जो एंटिटी मतलब जिस इलेक्ट्रोड में हमारे पास डिसोसिएशन हो जाता है जिस इलेक्ट्रोड में हमारे पास डिसोसिएशन हो जाता है तो उसको हम ऐसे देखते देखो जैसे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने देखा था सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो उसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती थी वहाँ पर जो है जिंक टूट जाता था मतलब जिंक जो है क्या हो जाता था डिसोसिएट हो जाता था है ना जिंक क्या हो जाता था डिसोसिएट हो जाता था इस तरह से टूट जाता था देखिए जिंक जिंक टूट जाता था जिंक से जिंक टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते थे ठीक है तो यहाँ पर देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है अब देखो दो तरीके हैं दो नहीं तीन तरीके हैं जिसको हम इस, इस आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से भी इसको लिख सकते हो इस तरह से भी इसको इसको लिख सकते हो ठीक है मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम हमें वो लिखना है सबसे पहले हमें वो वाली चीज़ लिखनी है जो टूट रही है ठीक है अब टूट देखो कौन रहा था जिंक टूट रहा था ठीक है जिंक जिंक टूट जिंक जिंक टूट रहा था जिंक टूट के क्या बनाया इसने जिंक टू पॉजिटिव बनाया जिंक टू पॉजिटिव बनाया ठीक है तो आपको इसको ऐसे लिखना है मतलब जो जो चीज़ थी हमारे पास थी क्या हमारे पास जिंक थी जिंक ने टूट के क्या बनाया जिंक टू पॉजिटिव बनाया ठीक है तो उन दोनों को हम इस तरह से सेपरेट कर देंगे इस तरह से हम उसको सेपरेट कर देंगे ठीक है और आगे हम लिखेंगे वन मोल क्योंकि सल्यूशन हमने देखा था कि वन मोल उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ठीक है तो उसके आगे हम लिखेंगे वन मोल ठीक है ये तो हमारे पास हो गई एक तरह एक साइड क्योंकि हमारे पास देखो दो हाफ सेल हमारे पास दिए हुए थे ठीक है हालांकि सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ी सी मैं दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है यहाँ पर मैं एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहता था ताकि ऊपर वाली चीज़ मैं आपको समझा सकूँ ठीक है तो एक जो पहली तरफ पहली साइड हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड उसको तो हमने इस तरह से लिख लिया अब दूसरा साइड देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास दो रिएक्शन होती है एक तरफ हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है एक तरफ हमारे पास रिडक्शन होती है ठीक है तो ये तो हमारे पास एक तरफ वाला हो गया अब देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास होता था उसमें दूसरी साइड हमारे पास कॉपर होता था ठीक है अब कॉपर में जो है उल्टी रिएक्शन होती थी उल्टी रिएक्शन मीन्स उल्टी रिएक्शन मीस वहाँ पर देखो यहाँ पर डिसोसिएट हो जाता था ये और वहाँ पर एसोसिएशन होता था मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कॉपर के साथ जुड़ जाते ठीक है तो उसमें देखो क्या होता था उसमें हमारे पास जैसे दो कॉपर इस तरह से था ये हमारे पास था ठीक है इसको भी हम व, वन एम लिखेंगे ठीक है और साथ में इसको इस तरह से एक लाइन के साथ सेपरेट करके ऐसा लिख लेंगे ठीक है जब भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म लिखनी है मतलब जहां पर आप आयन लिख रहे हो जैसे देखो कॉपर अभी ये, ये कॉपर को मैंने आगे क्यों नहीं लिखा कॉपर को मैंने आगे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन ये वाला था सॉल्यूशन में ये वाला ये था हमारे पास पहले वाले में जिंक हमने इसलिए लिखा था क्योंकि जिंक खुद टूट रहा था यहाँ पर कॉपर नहीं टूट रहा यहाँ पर सी यू टू पॉजिटिव रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है ठीक है तो ये दो इलेक्ट्रॉन को जब खाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब इस पूरी की पूरी रिएक्शन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिखूंगा ठीक है अब यहाँ पर देखो जिंक जिंक टूट गया किसमें जिंक टू पॉजिटिव में इसको डिवाइड किससे करना मतलब इसको सेपरेट किससे करना है एक वर्टिकल लाइन के साथ इसको सेपरेट करना है ठीक है बीच में आगे देखो ये जो डबल लाइन आप देख रहे हो इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज अब देखो आपने जो दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे जो दो हमारे पास हाफ सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है वो तो वो करता है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज ठीक है तो इस ये जो आप डबल लाइन देख रहे हो डबल वर्टिकल लाइन देख रहे हो ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है ठीक है ये सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर देखो ये वाली डेक्शन हमारे पास एक तरफ हुई थी और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई थी अब यहां पर देखो मैंने आपको कहा जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म को लिखते हैं तो हमने क्या लिखना है, है तो कन्वर्ट हो गया था, copper में हो गया था तो ये देखो यह जो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया हमने ठीक है अब बहुत सारे सेल और भी होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हमारे वेरियस टाइप्स के होते हैं ठीक है थीके? उनको हम रिप्रेजेंट करना किसी और वीडियो में सीखेंगे तो so, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो ये देखो ऐसे अब हमें बहुत सारी रिएक्शन को रिएक्शन को नहीं लिखना है अभी पूरा पूरा हम नहीं लिख सकते उससे काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए क्या किया जाता है शॉर्टकट लिया जाता है और ऐसे इसको लिखेंगे ये पूरी की पूरी रिएक्शन को खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है सब कुछ कि कितनी रिएक्शन इसके अंदर हो रही है ठीक है उसके बाद हम चलते हैं एक एक के ऊपर कि हम किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं ठीक है ये देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे ठीक है अभी मैंने सिंपली आपको कहा जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है ठीक है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है अब सिंपल सी बात है अगर इसको हम किसी दूसरे हाफ सेल के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे मतलब उस हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर लेंगे जिसका कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसके इलेक्ट्रोड का तो हम क्या करेंगे सिंपली उसको कनेक्ट कर देंगे किसके साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर दो कंडीशन होंगी यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास होंगी या तो जो हाफ सेल हमारे पास है जिस हाफ सेल को हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को के साथ कनेक्ट किया गया है ठीक है दो कंडीशन हमारे पास है या तो उस हाफ सेल की जिसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास के साथ जो है कनेक्ट किया गया है किया हुआ है उसका जो ऑक्सीडेशन की पावर है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम होगी या ज़्यादा होगी या दूसरा हमारे पास उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की पावर है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज़्यादा या कम होगी ठीक है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है आगे प्रोसे ये बढ़ेगा तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया जिंक को किसके साथ ये देखो ये एक हाफ सेल है अब देखो किसका हम निकाल रहे हैं एक मिनट एक मिनट में आपको बता दूँ कि किस किस का हम निकाल रहे हैं कौन से हाफ सेल का हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक टू पॉजिटिव अब ये देखो इस तरह से है इसको आपने ऐसे लिखना है जिंक टू पॉजिटिव एंड जिंक ठीक है इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है ठीक है ठीके? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है मतलब ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो हुआ हमारे पास इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है कि कितना है ठीक है ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास कितना है ये हमें निकालना है तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर देखा है तो ये तो एक पार्ट है ये तो एक हाफ सेल का हिस्सा है हमारे पास दूसरी तरफ हमारे पास कॉपर होता था और एक तरफ हमारे पास जिंक वाला इलेक्ट्रोड होता था ठीक है तो वहाँ से एक एक का का एक एक का निकालना एक एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट करके निकालेंगे कि इसका इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना है ठीक है अब सिंपल सी बात है इसका इलेक्ट्रोल पोटे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है अब हम अब हम जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहेंगे अब हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके निकाल रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो इसलिए मैंने क्या किया जो ये वाली साइड है यहाँ पर देखो इस वाले हाफ सेल का मुझे क्या निकालना है इस वाले इलेक्ट्रोड का मुझे क्या है निकालना? निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ठीक है तो जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको हमने उसके इलेक्ट्रो लाइटिक सोल्यूशन के अंदर डिप करके किसके साथ कनेक्ट कर देना है उसको हमने कनेक्ट कर देना यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ठीक है अब इसका देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है जीरो है ठीक है टोटल हमें यहाँ पर पता लग जाएगा टोटल हमें पता लग जाएगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ठीक है तो सिंपल सी बात है इसका जीरो है टोटल हमें पता होगा ठीक है तो सिंपल सी बात है कि इसका हम इजीली निकाल सकते हैं तो यहां पर देखो इसी तरह से इसको आप खुद खुद भी देख सकते हो वैसे इसका स्क्रीन ले लो वैसे इसका स्क्रीन आपने ले लेना है तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसमें आप देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे जिंक इलेक्ट्रोड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो हो रहे हैं ऐसा ये कह रहा है ठीक है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हमारे पास फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास जिंक वाले इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ को फ्लो हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है एंड देर फॉर द जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड एंड एस एच ई एक्स एज अ कैथोड तो इस केस में देखिए क्या हो गया अब देखो जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है ना ये हमारे पास एनोड भी हो सकता है ये हमारे पास कैथोड भी हो सकता है ठीक है याद रखना है आपको जो है तो है आपका ये, आपका ये तो 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 जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये आपके आपका एनोड भी हो सकता है ये आपका कैथोड भी हो सकता है ठीक है डिपेंड करता है इस वाले के ऊपर कि इसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की कितनी पावर है ठीक है अब ये तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जीरो है ये क्या एनोड भी हो सकता है ये कैथोड भी हो सकता है सामने वाले पर डिपेंड करेगा कि सामने वाले के पास कितनी पावर है ठीक है यही डिटरमिन करेगा कि इसको जो है एनोड बनना है या इसको जो है कैथोड बनना है ठीक है तो, 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 तो पूरा का पूरा जो है कि इसके ऊपर तो डिपेंड है तो सामने वाले सेल के ऊपर सामने वाले हाफ सेल के ऊपर तो यहाँ पर देखो इस केस में ये क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा है एक्स एज एन एनोड ठीक है यहाँ पर ये एनोड की तरफ एनोड की तरह जो है वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या को क्या हो रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ को फ्लो हो रहे हैं ठीक है द सेल में भी रिप्रेजेंटेड एज अब देखो इस सेल को जो है ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर जिंक जिंक किस में टूटा जिंक टू पॉजिटिव में टूट गया ठीक है अब देखो जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं वन मोल ठीक है wall, अब बीच में क्या आ गया सॉल्ट ब्रिज आ गया मैंने आपको कहा था सॉल्ट ब्रिज लग गया ठीक है और साथ में देखो मैंने आपको कहा था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन होती है एक हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियसली होती है बराबर होती है ठीक है लेकिन जब हम इसको किसी स्टैंडर्ड किसी दूसरे इलेक्ट्रो किसी दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ते हैं तो इनमें से अब जो तो मैंने आपको कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कैसी होती है सेम अमाउंट में होती है लेकिन जब हम किसी दूसरे हाफ सेल के साथ इसको जोड़ देते हैं तो उनमें से या तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने लगता है या तो रिडक्शन ज़्यादा होने लगता है मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है उसमें जो ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल उसका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले सेम अमाउंट में हो रहा था हो रहा था उसमें अब या तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा या तो उसमें रिडक्शन ज़्यादा होगा डिपेंड करेगा सामने वाले सेल की तरफ कि सामने वाले सेल की सेल जो है कैसा बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो सेल है ये वाला जो हाफ सेल है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस तरफ को दे रहा है ठीक है तो इसको जो है मजबूरी में भी अब जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ठीक है अब इसको जो है मजबूरी में हुई है इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रिडक्शन को करना पड़ेगा ठीक है रिडक्शन अब जो है ज्यादा फॉलो होगी यहां पर क्यों होगी क्योंकि यहां पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जब तक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे थे तब तक ये अपने हिसाब से चला हुआ था लेकिन जब कोई दूसरे दूसरे हाफ सेल के साथ हमने इसको जोड़ा हुआ है तो ये इसको भी जो है काफी फर्क इसको भी पड़ेगा ठीक है तो यहां पर देखो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया तो यहां पर देखो कौन सी रिएक्शन हमारे पास बढ़ जाएगी अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक वाले इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ठीक है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन बढ़ेगी यहाँ पर वो वाली रिएक्शन बढ़ेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस हो रही होगी ठीक है तो मैंने आपको कहा था कि दो रिएक्शन हो रही थी एक रिएक्शन हो रही थी जहां पर हाइड्रोजन गैस टूट रही थी और दूसरी रिएक्शन हो रही थी जहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी ठीक है तो अब देखो कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवर होगी ज्यादा फेवर कौन सी होगी ज़्यादा फेवर वो वाली रिएक्शन होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अब इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट हो सके ठीक है तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पर देखो अब क्या हो जाएगा एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव मतलब जो दूसरी रिएक्शन थी हमारे पास वो ज्यादा होने लगेगी मतलब ये वाली जो रिएक्शन हमारे पास है ये वाली जो रिएक्शन हमारे पास है वो ज्यादा होने लगेगी ये वाली जो रिएक्शन है वो ज्यादा होने लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनको खत्म तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये वाली रिएक्शन अब हमारे पास ज्यादा होने लगेगी ठीक है अब मैंने आपको कहा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरफ वर्क भी कर सकता है वो एनोड की तरफ भी वर्क भी कर सकता है तो इस केस में जिंक वाले केस में जिंक वाले जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो जो जिंक वाला हमारे पास हाफ सेल है ठीक है तो उस केस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह क्यों बिहेव करेगा क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम निकालेंगे इसको अब इसका टोटल अगर दिखा जाए तो ये मैंने आपको बता दिया अब देखो टोटल इसका कैसे निकालेंगे ई ऑफ द सेल मैंने आपको कहा कि ई ऑफ द सेल निकालना जो है कोई बड़ी बात नहीं है ये इजीली निकल जाता है ठीक है इसका हमें पता है कि ई ऑफ द सेल मतलब टोटल जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो कितना है जीरो ये हमें पता है ठीक है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया जीरो ये देखो ये इसका सेल है ये जो है अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना होता है तो ये देखो इसका फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल ठीक है ये हमारे पास देखो ये इसका फॉर्मूला है ठीक है मतलब टोटल टोटल निकालने का टोटल अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो ये फार्मूला उसका है ठीक है टोटल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब इसका ठीक है तो यहाँ पर देखो अब जो ई ऑफ द सेल हमें हमारे पास है वो हमारे दिया हुआ है मतलब ये मैंने आपको कहा कि टोटल का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है ये हमें पता है ये कितना है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ये मैंने लिख लिया यहाँ पर जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है इज इक्वल टू किसके बराबर है इज इक्वल टू अब देखो ई ऑफ द आर ई ऑफ द आर मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जो है राइट हैंड साइड की तरफ कौन है राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था ठीक है राइट हैंड साइड की तरफ लगा था ना वो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने आपको कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका कितना होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जीरो होता है तो मैंने यहाँ पर लिखा जीरो ठीक है जीरो माइनस माइनस ई नॉट ऑफ द एल अब देखो ये क्या है मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो उसका तो हमें पता नहीं है उसका ही तो हमें निकालना है ठीक है उसका तो हमें निकालना है तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया ठीक है अब सिंपली आप निकाल सकते हो ये देखो टोटल है ये यहाँ पर ये दिया है ये हमारे पास जीरो बच के बीच में ठीक है तो अब क्या करेंगे इसको सिंपली यहाँ ले आओ इसको सिंपली यहाँ ले आओ तो ई ई नॉट जो हमारे पास जेड जेड एन टू पॉजिटिव और जेड एन तो इसका देखो कितना आ गया हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास देखो कितना आ गया सो पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना आ गया यहाँ पर देखिए जीरो माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट जो है इसका हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया ठीक है सो so, इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं उसी तरह से मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क भी कर सकता है एनोड की तरह वर्क भी कर सकता है डिपेंड किसके ऊपर करेगा डिपेंड करेगा सामने वाले सेल के ऊपर मतलब इस वाले सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी है या इलेक्ट्रॉन की इसके पास देने की कैपेसिटी है ये तो दोनों चीज़ें कर सकता है ये तो ले भी सकता है दे भी सकता है डिपेंड करेगा इसके ऊपर ये देगा या लेगा ठीक है अब यहाँ पर इस केस में हमने देखा कि इस ये दे रहा है दे रहा है तो ये कैथोड की तरह वर्क करेगा अगर ये लेने वाला होता तो ये एनोड की तरह वर्क करता ठीक है ना तो ये दोनों की तरफ कर सकता है यही इसकी खासियत है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ठीक है अब हम दूसरा केस देख लेते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं बल्कि देगा अब देगा नहीं बल्कि लेगा है ना तो यहाँ पर देखो इसमें अब हम दूसरा केस देख लेते हैं दूसरे केस में आप देखो यहाँ पर अब हमने कॉपर वाला केस लिया है ठीक है अब हम कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने लिया हुआ है ठीक है अब हमने कॉपर वाला इलेक्ट्रोड लिया है यहाँ पर देखो इस तरफ हमने कॉपर वाला इलेक्ट्रोड इस बार लिया है ठीक है तो इस वाले केस में हमने क्या हम क्या क्या देखते हैं यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा ठीक है तो यहाँ पर देखो पहले मैंने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया ये मैंने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया इस बार इस इस बार मैंने जो है हाइड्रोजन वाले जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिया हुआ है ठीक है तो मैंने इसको पहले लिख लिया तो यहाँ पर देखो एच टू वन ए टी एम पी टी यहाँ पर प्लेटिनियम के लिए दिया हुआ है जो मतलब प्लेटिनियम की फॉइल है ठीक है इसको बस रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो एच टू गैस थी एच टू गैस एच टू गैस प्रेशर कितना हुआ है ए टी एम दिया हुआ है हमारे पास ठीक है एच टू कितना दिया है वन ए टी एम दिया है यहाँ पर वन ए टी एम इसलिए दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन हमारे पास दी हुई है इसलिए यहाँ पर स्पेशली मैंशन किया हुआ है इसको ठीक है वन ए टी एम अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया था ये एच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था मतलब हाइड्रोजन गैस टूट के किस में कन्वर्ट हो रही थी एच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही थी यहाँ पर देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है यहाँ पर उल्टा हो रहा था पहले वाले में क्या हो रहा था पहले वाले में जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसको जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसको दे रहा था यहाँ पर उल्टा होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं किसके द्वारा जो हमारे पास दो सेल है ना एक तरफ हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा है और दूसरी तरफ हमने कॉपर वाले इलेक्ट्रोन जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो वाला जो हमारे पास हाफ सेल है उसको रखा हुआ है तो यहाँ पर जो है कॉपर वाला जो हाफ सेल हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ को ठीक है वो क्या करेगा खींच रहा है अपनी तरफ को तो मैंने आपको कहा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो तो दोनों तरफ तरह से वर्क कर सकता है एनोड की तरफ वर्क भी कर सकता है कैथोड की तरफ वर्क भी कर सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है डिपेंड करता है सामने वाले उसके ऊपर सामने वाले सेल के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है तो ये वाला ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल ये वाला हाफ सेल हमारे पास कैसा है ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला जो हाफ सेल हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है गेन कर रहा है तो सिंपल सी बात है ये अब किसकी तरफ वर्क करेगा ये अब एनोड की तरफ वर्क करेगा ठीक है तो यहां पर देखो ये क्या हुआ पहले 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 देखो मैंने आपको यहां पर बताता हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको पहले वाला जो हमारे पास केस था उसमें ये वाली रिएक्शन फेवर हो रही थी ठीक है उसमें हमारे पास ये वाली रिएक्शन फेवर हो रही थी क्योंकि वहां पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि ये वाली रिएक्शन अब फेवर नहीं करेगी नीचे वाली रिएक्शन फेवर नहीं करेगी अब ये वाली फेवर करेगी ठीक है क्योंकि यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ठीक है थीके? अभी हमें कौन सी रिएक्शन चाहिए अभी हमें ऐसी रिएक्शन चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किस में हो रहा है इसमें हो रहा है तो मतलब ये वाली रिएक्शन अब फेवर करेगी मतलब अब ये एनोड की तरफ वर्क करेगा तभी मैं आपको कह रहा था जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो जो है एनोड की तरफ वर्क भी करता है और ये जो है कैथोड की तरह वर्क भी करता है ठीक है सो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं देखो जब जैसा पहले निकाला बिल्कुल वैसे ही अब आगे बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको कहा तो यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर देखो एच पॉजिटिव के सामने मैंने क्या लिखा वन मोल भी लिखना है ठीक है उसके बाद देखो ये डबल लाइन डबल लाइन क्या है वर्टिकल लाइन ये डबल वर्टिकल का लाइन क्या है ये हमारे पास आ, जो है सॉल्ट ब्रिज है ठीक है उसके बाद देखो जो कॉपर वाली साइड थी वहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है वहाँ पर कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर टू पॉजिटिव को जब दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते थे अब देखो जो कॉपर टू पॉजिटिव थी मैंने आपको कहा कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म लिखते हैं तो उसके सामने हमने क्या लिखना है वन मोल भी लिखना है ठीक है और उसके बाद कॉपर टू पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया था जब उसने दो इलेक्ट्रॉन को खा लिया था तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया था ठीक है बाकी सेम वैसा ही है ठीक है ई ऑफ द सेल देखो अब टोटल हमने निकालना डी ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट ठीक है उसके बाद देखो ई राइट ई राइट का हम ई राइट का हमें निकालना है ई राइट का तो हमको निकालना है ठीक है तो ई राइट को हमने यहाँ पर लिखा इसका हमने हमने निकालना है तो उसको हम उसको हम छेड़ेंगे नहीं ठीक है ये हमने वैसा का वैसा लिखा देखो और साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर हम देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है ठीक है ये कितना है ये हमारे पास टोटल है ये टोटल ई ऑफ द सेल है ये हमारे पास वो वाला है जो हमें निकालना है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है उसका हमें पता है कि उसका जीरो होता है अब सिंपल सी बात है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई नॉट ये जो हमारे पास ई नॉट ऑफ द सेल आएगा मतलब जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम आएगा हमारे पास ये हमारे पास कॉपर ये वाले इलेक्ट्रोड का आ जाएगा तो कितना आ गया हमारे पास जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट हमारे पास आ गया सो so, इस तरह से हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ कर सकते हैं मतलब इसका यूज़ करके हम जो अलग अलग टाइप के हमारे पास हाफ सेल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है ईजिली फाइंड कर सकते हैं सो आई होप कि आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय